आपकी उम्र कितनी है? 80 साल। 80 साल उम्र है आपकी। तो 80 साल की उम्र में कैसे करते हो बाबू? क्या करूँ, मजबूरी से बच्चे की वजह से। मैंने क्या आराम करने की समय था, आराम करने का भगवान का भजन करता हूँ रात। जी जी। दिन में पानी पिलाता हूँ, राम का नाम लेता हूँ रात के समय, वही मेरी मदद करता है कुदरत। देखो हमें भी भेजा आपके आपके लिए ना, मैंने देखा था 2-3 दफा आपको पानी पिलाते हुए। मैंने सोचा अब्बा हमारे इस इतनी उम्र में 80 साल की उम्र में क्यों पानी पिलाते हैं? मजबूरी में। जी जी। क्या खाएंगे, जिसका उधार लेंगे वो रहने नहीं, लैट्रीन भी नहीं बन रही, उधर टट्टी कर लेते हैं। तो आपका बेटा है? सगा बेटा। कितना पैसा कमाते हैं आप एक दिन में? एक दिन में पैसा कमाता हूँ जी 200-250 रुपए ऐसे कमा लेता हूँ। कोई मांगे काम लेता आ जाते हैं, इसलिए कमा लेता हूँ। उनसे जीवन पूर्ति नहीं होती, कभी उनकी दवा, कभी उसकी दवा, कभी उसकी दवा। कोई बात नहीं है ना, ये जीवन है, जीवन जीवन का एक दस्तूर है ना। हाँ। जीवन चक्र चलता है जैसे। हाँ। मेरा नाम मुशाहिद है, मुशाहिद खान मेरा नाम है, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन लेकिन मुझे लगा कि मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 हजार रुपये बाबूजी आपके लिए। कोई नहीं। देख मैं हूं ना, मैं आया हूं ना, तेरा भाई पड़ोसी को कहना पड़े, जी पड़ोसी को कहना पड़े, जी खाद कुर्बानी पड़े, और सब पड़ोसी साथ है और कोई नहीं देता। अभी हम बागपत इलाके में हैं, और बागपत इलाके का ये गांव है बिराल। बिराल जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे पे पड़ता है, और जब आप यूपी से निकलेंगे, बड़ोस से निकलेंगे बागपत कांधले की तरफ, तो बिराल पड़ता है। ये हमारे भाई, क्या नाम का? दिलीप कुमार भाई है। इनके पैर में रॉड पड़ी हुई है, चल नहीं सकते, ये पूरी सीधा रहता है। और इनके पिताजी जो हमने अभी दिखाया है, इनके पिताजी 80 साल की उम्र में रोड पर पानी पिलाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कुछ लोग पैसे देंगे, और जो पैसे इकट्ठे होंगे उस पैसों से घर का राशन आ जाएगा। और जिस दिन पैसे इकट्ठे नहीं होते तो शायद ऐसे भी होता राशन वगैरह नहीं आता। नहीं जी, कोई दिन ऐसा भी हो जाए कि नहीं पैसे बिना बैठना पड़े, ये पैसे नहीं होते घर में राशन नहीं आना, बच्चे क्या है? चल रहा है थोड़ा बहुत नहीं? हाँ, तो चल जा। नहीं हो रहा, दिक्कत है। कैसे बाबूजी? अरे भाई भगवान, खुदा में लिया मैं जा। आज तो मेरा भाई खुदा में। बच्चे हैं बाबूजी आपके? नहीं, बच्चे तो जरूर तो जुआ दिया, अगला जन्म दे दिया। अच्छा बाबूजी, घर बन गया, अब तो खुशी खुशी आ गई ना घर में। अरे बैठ। अभी हम बाबा के घर पे आए हैं, बाबा देख सकते हैं कितने खुश हैं। दूध में पत्ती लगाइए, दूध में पत्ती लगाइए। बहुत
बहुत खुश है मेरे बाबा। आज हम तुम्हारे नमकीन भी खाएंगे, बिस्कुट भी खाएंगे। बिस्कुट ले और नमकीन ले आ जा। ठीक है, मिठाई का डिब्बा ले आ जा। नहीं नहीं नहीं, कोई पत्ती लगा दे। आज तो मैं चलता हूँ, देख के मुझे बेहद खुशी हो रही है भाई। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं समझ नहीं सकता, मेरी आँख ना मैं सच में बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मेरा भाई चलने लगा, और पहले बैठा था और आज कम से कम अपने काम कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, सब काम कर रहा है। तो जो एक दौर था ना, एक वक्त था ना, देखो वो वक्त तो चला गया। ये सब कुछ तेरी देर में नहीं है, वो किसी की मेहरबानी नहीं, मेरा किसी ने साथ ही दिया। सच्ची बोला तन्ने मेरा वो साथ दिया, जिस टाइम पर साथ दिया, जिस टाइम पर कोई मेरा साथ देने वाला था, तन वक्त को मेरे वक्त इस तरह मोड़ दिया, तन्ने मेरे उठिया। अब वक्त ने मेरे साथ परिवार को जाना भी मेरे साथ दिया। सब तो बता तू है तन्ने मेरे देखता है। हम तो सिर्फ एक दरिया है, समझ गया ना, ऊपर वाला करने वाला है। देखो आज तुम्हारे घर पे छत है, हर वो चीज है जो तुमने कभी सोचा नहीं था। टीवी की जगह आज एलईडी लगी है ना, टीवी की वजह से कुछ होगा, एलईडी लगी तो हो नहीं था कुछ भी। खान कुमार का जीरा भी ढूंढ लिया, भैंस मान ली मैंने, दूध बेचू और दूध कर रहा हूं। आओ दिखाओ। अरे हमारे भाई हैं, आप देख सकते हैं चलने लगे, लेकिन और अपना एक कमाई का जरिया भी। अच्छा ये भैंस लिया आपने, तो चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब इससे कितना दूध देती है, क्या कैसे? या दीदी 11 किलो दूध दे, मैं 10 किलो मेरा बिक जा। बहुत बढ़िया, 1 किलो दूध अपने हम आपस में कर ले। इतना तो हो गया ना कि तुम अपना घर का खर्चा चला सको, अपना इलाज कर सको। मैं नूं है किसी का हाथ नहीं पहचानना पड़े। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही लोगों की मदद कीजिए, प्यार बांटिए, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके उनके मदद का हिस्सा बनिए, क्योंकि इन लोगों की दुआ जब लगती है ना तो वो रुकती नहीं है। ऊपर वाला ऐसे लोगों की दुआ सातों ज़मीन और सातों आसमान को चीरता हुआ कबूल करता है। भगवान अल्लाह, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आप मानते रहिए, लेकिन इंसानियत के लिए काम कीजिए, मोहब्बत के लिए काम कीजिए, और ऐसे ही मोहब्बत बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।